मध्य प्रदेश की एकमात्र तकनीकी शासकीय यूनिवर्सिटी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीते दिनों हुए करोड़ों के घोटाले के आरोपी अभी भी आजाद हैं। मामले में 30 दिनों बाद भी गठित एसआईटी के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। टीम तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत, रिटायर कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा और तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार की तलाश में जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस कई ठिकानों पर दबिश भी दे रही है। मैं आपको बता दें कि बीते 22 मार्च को एक आरोपी की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। तो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी का यह पूरा मामला है, जहां छात्रों की तरफ से बाकायदा प्रदर्शन किया गया था और घोटाले का आरोप लगाया गया था। इस मामले में मंत्री ने पहुंचकर छात्रों को आश्वासन दिया था कि इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन 30 दिनों के बाद भी एसआईटी के हाथ कोई सुराग अभी तक नहीं लगा है। तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत, रिटायर कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा और तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार की तलाश में जुटी हुई है टीम। आरोपियों की तलाश में पुलिस कई जगहों पर दबिश भी दे रही है। और आपको यह भी बता दें कि 22 मार्च को एक आरोपी की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और वहीं से लीड लेकर अब आगे की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, 30 दिन हो चुके हैं एसआईटी के गठन को, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक कोई सुराग ही हाथ नहीं लगा है? देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और पहली शासकीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी बंदरवाड़ कर दी गई। 19 करोड़ से ज्यादा सरकारी पैसा निजी खातों में चला गया और इस मामले का जब खुलासा हुआ तो शिक्षा जगत में सन्नाटा पहुंच गया। वाइस चांसलर से लेकर चार तक सब आरोप में फंसे हैं, लेकिन ये बड़े बड़े बीबीआई पता नहीं कहाँ गायब हो गए कि एसआईटी ने ढूंढ नहीं पा रही है। ऐसा लगता है कि एसआईटी बौना साबित हो रही है और पिछले 30 दिन में इस मामले के ये मुख्य आरोपी, चाहे तो वो तत्कालीन जो रजिस्ट्रार है आरएस राजपूत हो या फिर तत्कालीन वाइस चांसलर वीसी सुनील कुमार, गायब है। एसआईटी की तीन अलग अलग टीम है, कई जगह यानी देखिए दर्जनों जगह छापेमार कार्रवाई कर चुकी है ये बताया जा रहा है, लेकिन अब तक ये मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड नहीं मिले हैं। एक जबकि 22 मार्च को एक और जो आरोपी था कुमार मैंग, वो अरेस्ट कर लिया गया अहमदाबाद से, लेकिन दो मुख्य बड़े देखिए इस खेल के खिलाड़ी है, किरदार है, वो अब तक गायब बताया जा रहा है। क्या एसआईटी के हाथ इतने छोटे हो गए कि वो ऐसे भ्रष्टाचार? ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।